सरकार के खिलाफ ये नारेबाजी, ये गुस्सा, ये आक्रोश किसी भी मौजूदा सरकार के चेहरे की चिंता की लकीरें बढ़ा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि सरकार के खिलाफ चुनावी साल में ये आक्रोश कैसा है, कौन आखिर सरकार के विरोध में उतर चुका है, किसने वोट नहीं देने का ऐलान कर दिया है। तो आपको बता दें कि प्रदेश के वो लाखों शिक्षक जो पिछले 5 सालों से सरकार की ओर तबादलों की आस लगाए बैठे हैं, वो अब इस चुनावी साल में आंदोलन की राह पर उतर चुके हैं। थर्ड ग्रेड टीचर्स, इन्होंने आर पार की लड़ाई की घोषणा कर दी है और शहीद स्मारक पर अनिश्चितकालीन धरना भी शुरू कर दिया है। इसके साथ ही सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि यदि 11 अगस्त तक उनके तबादलों को लेकर कोई फैसला नहीं लिया जाता है तो ऐसे में सरकार के खिलाफ वो सड़कों पर उतरकर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इसके साथ ही शिक्षकों ने एक शपथ भी ली है। इस समय राजस्थान के हर स्कूल से एक शपथ गूंजती हुई नजर आ रही है और वो शपथ है कि तबादला नहीं तो वोट नहीं। यानी कि प्रदेश के करीब 2.5 लाख तृतीय श्रेणी शिक्षक और उनके परिवार से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, मान के चलें तो तकरीबन ये आंकड़ा पहुंच रहा है 15 से 20 लाख वोटर्स का। यानी कि सरकार के चेहरे पर चिंता की लकीरें इसलिए हैं कि यदि थर्ड ग्रेड टीचर्स का जल्द ही कोई समाधान नहीं निकलता है तो उसके 15 से 20 लाख वोट प्रभावित होंगे। 5 साल एक लंबा समय होता है। शिक्षा विभाग की अगर बात की जाए, या शिक्षा विभाग क्यों, किसी भी विभाग की बात की जाए, हर वर्ग को तबादलों की सौगात दी गई है। शिक्षा विभाग में थर्ड ग्रेड टीचर्स को छोड़कर हर वर्ग, चाहे वो प्रिंसिपल हो, सेकेंड ग्रेड टीचर्स हो, फर्स्ट ग्रेड टीचर्स हो, या स्कूल में कार्यरत अन्य जो श्रेणी है उनमें जो कर्मचारी हैं, उनको भी तबादलों की सौगात मिली है। लेकिन थर्ड ग्रेड शिक्षक को इससे विमुख क्यों रखा गया है, उनकी ही इतनी उपेक्षा क्यों की गई है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। प्रदेश में इस समय 48,000 पदों पर एक भर्ती चल रही है, जिसमें लेवल 1 के 21,000 पद हैं और लेवल 2 के 27,000 पद हैं। सरकार का ये कहना है कि पहले ये जो नव नियुक्त शिक्षक हैं इनको नियुक्ति दी जाएगी और उसके बाद यदि जगह बचती है तो उसके बाद थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों पर फैसला लिया जा सकता है। लेकिन दूसरी ओर प्रदेश के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला लगातार ये बात कह रहे हैं कि थर्ड ग्रेड शिक्षकों के जो तबादले हैं वो ट्रांसफर पॉलिसी के तहत किए जाएंगे। ऐसे में शिक्षकों का आक्रोश और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। शिक्षकों का ये कहना है कि कोई भी विभाग हो, उसमें बिना पॉलिसी के तबादले हो रहे हैं तो थर्ड ग्रेड टीचर्स के ही तबादले पॉलिसी से क्यों करे जा रहे हैं। ये सिर्फ शिक्षकों को बहलाने का एक जरिया सरकार ने बना रखा है। कुछ आंकड़े यहां पर मैं मौजूद हैं, उनको पेश करने की कोशिश करूंगा। मेरे साथी जो थर्ड ग्रेड शिक्षक हैं वो भी यदि इन आंकड़ों से सहमत हैं तो मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपने मैसेज छोड़ सकते हैं कि क्या ये समाधान निकल सकता है कि थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले भी हो जाएं और नए जो शिक्षक लगने वाले हैं उनकी नियुक्ति भी हो जाए। देखिए, अगर वर्तमान की बात की जाए तो शिक्षा विभाग में 5,58,456 पदों पर कर्मचारी कार्यरत हैं, जिसमें सभी आ रहे हैं पियोन से लेकर प्रिंसिपल तक। इनमें से 3,87,878 पदों पर जो कर्मचारी हैं वे कार्यरत हैं और 1,70,578 पद फिलहाल खाली चल रहे हैं। ये मैं आपको जो आंकड़े बता रहा हूं ये जून महीने तक के आंकड़े हैं और अभी जब शिक्षा विभाग का पोर्टल अपडेट होगा तो इसमें और फेरबदल होगा, कर्मचारी और जो पद हैं वह खाली होते हुए नजर आएंगे। अब बात करेंगे थर्ड ग्रेड शिक्षकों की। थर्ड ग्रेड शिक्षकों में लेवल 1 और लेवल 2 आता है। देखिए, लेवल 1 की अगर बात की जाए और लेवल 2 की बात की जाए तो कुल 2,48,244 शिक्षक हैं वह लेवल 1 और लेवल 2 में कार्यरत हैं। यानी कि कुल मिला के बात की जाए तो लेवल 2 में 30,383 पद वर्तमान में खाली चल रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बात की जाए तो अंग्रेजी के 10,130 पद खाली हैं तो हिंदी के 3,969 पद खाली हैं। और लेवल 1 की अगर बात की जाए तो लेवल 1 में 1,43,854 जो शिक्षक हैं, यहाँ शिक्षकों की बात हो रही है, शिक्षक कार्यरत हैं, जिसमें से 1,14,660 पदों पर शिक्षक कार्यरत हैं और 29,194 पद हैं वो शिक्षकों के खाली हैं। यानी कि
टोटल लेवल वन और लेवल टू की बात की जाए तो 59,577 पद यहाँ पर खाली चल रहे हैं। 48,000 पदों पर अब भर्ती की जाएगी, तो 48,000 पदों पर भर्ती करने के बाद भी 11,577 पद, यानी कि 11,577 पद हैं फिर भी वो शिक्षा विभाग में जो थर्ड ग्रेड टीचर्स हैं उनके खाली रह जाएंगे। आपको एक बात बता देता हूं कि साल 2018 में जब बीजेपी की सरकार थी, मौजूदा सरकार थी, वो थर्ड ग्रेड टीचर्स को उसने तबादलों की सौगात दी थी। उस समय डार्क जोन के तबादले भी खोले गए थे, लेकिन डार्क जोन के शिक्षकों के तबादलों में एक शर्त रख दी गई थी कि 2012 से पहले लगे हुए शिक्षक, यानी कि एक ही स्थान पर लगे हुए शिक्षकों का ही उन्होंने आवेदन लिया था और उनके तबादले किए गए थे। तो वहीं पिछले 5 साल से, अब जो 2012 की बात की जाए तो अब 2023 तक, यानी कि 11 साल से लंबा समय ऐसे शिक्षक हैं जो अपने घरों से दूर डार्क जोन में लगे हुए हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए, अगस्त 2021 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने थर्ड ग्रेड टीचर्स को एक बड़ी सौगात दी थी और उन्होंने ये कहा था कि थर्ड ग्रेड टीचर्स के तबादले खोले जाएंगे और इसके लिए उन्होंने आदेश भी निकाला, डार्क जोन के भी आवेदन मांगे गए। उस समय अगर अगस्त की बात की जाए तो तकरीबन 85,000 थर्ड ग्रेड टीचर्स ने तबादला आवेदन किए थे। देखिए, इसका दूसरा पहलू मैं आपको बता देता हूं कि 85,000 आवेदन तो प्राप्त हुए थे, लेकिन शिक्षकों की संख्या 25,000 से 30,000 के बीच में थी, क्योंकि कई शिक्षक ऐसे थे जिन्होंने दो दो तीन तीन आवेदन किए थे, क्योंकि हर शिक्षक को डर होता है कि कहीं उनका आवेदन खराब ना हो जाए और वह तबादले से वंचित ना रह जाए। तो ऐसे में ये आंकड़ा 25,000 से 30,000 पहुंच रहा था। अब यहां बात हो रही है कि नियुक्ति और तबादले कैसे किए जा सकते हैं। सरकार एक और कह रही है कि पहले नियुक्ति देंगे, उसके बाद गुंजाइश बची तो तबादले भी किए जाएंगे। थर्ड ग्रेड टीचर्स कह रहे हैं कि पहले तबादले किए जाएं, उसके बाद नियुक्ति दी जाए। इस समय वर्तमान में पद खाली चल रहे हैं 59,777। लेवल वन में 29,169 पद हैं, वह यहां पर खाली चल रहे हैं, और लेवल टू में 30,383 पद, यानी कि लेवल टू में 28,000 पद हैं, तो 11,000 का अभी भी यहां पर मार्जिन है, 2,000 का, माफी चाहूंगा कि 2,383 जो पद हैं लेवल टू में, वहां तबादले होने की गुंजाइश बची हुई है। तो वहीं लेवल वन में 8,194 जो पद हैं, नियुक्ति के बाद भी 8,194 पदों पर तबादलों की संभावनाएं हैं। थर्ड ग्रेड टीचर्स का ये कहना है कि पहले तबादले किए जाएं, उसके बाद नियुक्ति दी जाए। तो वहीं पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि लेवल वन के जो अभ्यर्थी हैं अंतिम परिणाम जारी करने के साथ ही नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, और लेवल टू के अभ्यर्थी भी अब इस मांग में उनके साथ शामिल हो गए हैं। बीच का रास्ता, चुनावी साल है, सरकार किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं उठाना चाहती है। यदि शिक्षकों ने साफ जगह जगह हमने होर्डिंग देखे हैं बारा में, अलवर में, करौली में, धौलपुर में, कि शिक्षकों ने बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए हैं कि तबादला नहीं तो वोट नहीं, स्कूलों से शिक्षक शपथ लेकर ये वीडियो वायरल कर रहे हैं कि सरकार यदि उनका तबादला नहीं करती है मौजूदा सरकार, तो वो मौजूदा सरकार को वोट नहीं देंगे। वो वोट तो देंगे, लेकिन वो मौजूदा सरकार को वोट नहीं देंगे। ऐसे में सरकार को अब बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा। ये शब्द इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं कि अपनाना पड़ेगा किसी भी सरकार के लिए। देखिए, जीत हार का अंतर महज 1 से 2% वोट होते हैं। यदि सरकार के लिए ये 15 से 20 लाख वोट मायने रखते हैं, जो किसी भी सरकार को बनाने और हटाने में काफी अहम रोल अदा कर सकते हैं, तो ऐसे में ये 15 से 20 लाख जो वोटर्स हैं, यानी कि वो शिक्षक, यानी कि उन शिक्षक से जुड़े हुए परिवार, और कल जब इस आंदोलन में गए थे तो उन शिक्षकों का ये कहना था कि उनके साथ उनके स्टूडेंट और उनके अभिभावक भी खड़े हुए हैं, यानी कि ये आंकड़ा बहुत बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। शिक्षक आर पार की लड़ाई के चेतावनी के साथ आंदोलन पर उतर चुके हैं, वोट नहीं देने की उन्होंने घोषणा कर दी है। 11 अगस्त तक का सरकार को अल्टीमेटम दिया है, यदि 11 अगस्त तक सरकार कोई फैसला नहीं लेती है तो शिक्षक सड़कों पर उतरेंगे। फिलहाल वो शहीद स्मारक पर शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं, अनिश्चितकालीन महापड़ाव डाल रहे हैं, लेकिन यदि 11 अगस्त तक सरकार वार्ता नहीं करती है तो वह सड़कों पर उतरेंगे। हालांकि मुख्य सचिव से एक दौर की वार्ता हुई थी, लेकिन ये वार्ता असफल रही, जिसके बाद फिर से शिक्षक धरने पर लौट गए और पूरी रात शहीद स्मारक पर बिताई। ऐसे में अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सरकार इन 2.5 लाख शिक्षकों को संतुष्ट कर पाएगी? क्या सरकार थर्ड ग्रेड के तबादले नई नियुक्ति से पहले करेगी? क्या सरकार
इन थर्ड ग्रेड शिक्षकों को अपने पक्ष में करने के लिए सभी जतन करेगी, क्योंकि आचार संहिता लगने में महज कुछ ही महीनों का समय बचा है, तो चुनावों में महज 5 महीने का समय बचा है। ऐसे में सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है कि यदि बीच का रास्ता अपनाती है तो वह शिक्षकों को संतुष्ट कर पाएगी, नव नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति दे पाएगी, साथ ही जो सरकार रिपीट करने की बात कही जा रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा, उस पर भी वो खरा उतर सकती है। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार कौन सा रास्ता अपनाती है। द नगरी न्यूज का ये फर्ज था कि वो अपनी बात शिक्षकों तक, सरकार तक और नव नियुक्त शिक्षकों तक पहुंचाने की कोशिश करे कि दोनों ही वर्गों को कैसे संतुष्ट किया जा सकता है, सरकार कैसे शिक्षकों को खुश कर सकती है और नव नियुक्त शिक्षकों को ज्वाइनिंग भी दे सकती है। तो ऐसे में आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज, मैं हूं ललित वर्मा।